तो न्यू हेडिंग चलेगा क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इरिवर्जिबल हो गया था, अभी आप पढ़ेंगे रिवर्जिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, और इसको बोलेंगे रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये था उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब वह अभिक्रिया जो दो दिशा में होती है, वह अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में होती है उसको उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखोगे, वह अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में होती है वह क्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। बड़ा सिंपल है ये, वह अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अब खास क्या है इसमें, इसमें खास यह है कि ये साम्यावस्था को दिखाती है, ठीक है। क्या नोट है जी, यह अभिक्रिया साम्यावस्था को दिखाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्यावस्था को दिखाएगी, क्यों, क्योंकि दो दिशा में होती है ना, अगर दो दिशा में हो रहा है तो उसको बोलेंगे। अब देखो कैसे, तो मैं बोला था कि अभिकारक होता है और उससे क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, लेकिन टूट भी जाएगा। अगर टूट रहा है मतलब कि दो दिशा में हो रही है अग्र क्रिया और पश्च क्रिया, इसको बोलेंगे अग्र क्रिया, इसको बोलेंगे पश्च क्रिया, ठीक है। ये था एकदम कॉमन चीज, अब समझेंगे हम लोग इसको एग्जांपल के द्वारा। अब इसका एग्जांपल चलेगा, आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं कहूं H2+I2 + 2HI, ये था मतलब कि H2 और I2 मिलकर के HI बनाएंगे, लेकिन जब टूटेगा तो फिर से H2O2 बन जाएगा, इसको बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अगर मैं कहूं NH4Cl+H2O, NH4Cl+H2O, ये भी कैसा था, उत्क्रमणीय टाइप का है। क्या बनेगा इधर, NH4OH और प्लस HCl, ठीक है, ये था। तो दो दिशा में होगा तो उसको बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी हो रहा है। दो साइड तीर का माने होता है कि दो दिशा में होगा, ये था।